someday when I'm awfully. Assalamu alaikum friends, kaise hain aap? Umeed karti hoon ki aapke roze acche guzar rahe honge aur aap duaon mein mujhe yaad kar rahe honge aur main bhi aapko duaon mein zarur yaad karungi. So friends, रोज़ की तरह मैं आज आपको जो है चिकन मलाई टिक्का अपने हिसाब से बना के दिखाऊंगी कि मैं उसको कैसे बनाती हूँ, और वो भी एयर फ्रायर में. सो फ्रेंड्स जो है मैं तो आप सबको मतलब जो भी लोग मेरे मिलने वाले हैं, मैं उनको आजकल सबको यही समझाती हूँ कि रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा खाना और खूब सारा तला भुना खाना, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है. बल्कि वही टाइम और एनर्जी जो औरतें अपने किचन में इतना ज़्यादा लगा देती हैं, तीन तीन चार चार घंटा, मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए. सो जो मैं एयर फ्रायर में खाना बनाती हूँ उसमें हार्डली जो है एक चम्मच तेल पड़ता है और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो भी आप जो है कम तेल का खाना और किसी तरकीब से प्लीज़ बनाइए, लेकिन खूब सारा डीप फ्राई पकौड़ियाँ और समोसे और इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसान है, आपका टाइम भी बहुत ज़ाया होता है. उसी वक्त में आप इबादत करिए. अल्लाह मियां ने कहीं नहीं कहा है कि आप खूब सारा खाना खाइए, हाँ इबादत के लिए ज़रूर कहा है. सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्विकली जो है सारे इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ेंगे. ये जो है मैंने हाफ के जी के आसपास चिकन ले लिया है. अगर ये बोनलेस आप ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर बोनलेस नहीं है तो लेट इट बी. इसके अंदर मैंने दो चम्मच भर के दही डाल दिया है. उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डालने जा रही हूँ, दो चम्मच. फ्रेंड्स, मैंने जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल अपनी जो है ये चीज़ें नहीं करी हैं, जस्ट टू सेव माई टाइम. उसके बाद इसमें पेपर का पाउडर डाल देंगे. उसके बाद उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे. उसके बाद उसमें थोड़ा पिसा जीरा डाल देंगे. प्लीज एडजस्ट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एज पर योर टेस्ट. उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेंगे, और उसके बाद इसमें जो है क्रीम मिला लेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हम पुदीना लहसुन और मिर्चे की चटनी मिला लेंगे. सो चलिए अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं. फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको हाफ एन आवर रेस्ट पे रख दूंगी, और उसके बाद अपने एयर फ्रायर में इसको बना लूंगी. ग्रीसिंग करने जा रही हूँ एयर फ्रायर की. एयर फ्रायर की ग्रीसिंग करने के बाद मैंने जो चिकन टिक्का जो है अपना मसाला लगा के रख दिया था, ये आधे घंटे के बाद अब मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी. ओनली फॉर 10 मिनट्स एंड टाइम 180 डिग्रीज. इसको अपने एयर फ्रायर के अंदर सेट कर दूंगी और 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी. Someday. When the world is cold, I will feel a glow.